मेरा मन स्वदेशी, मेरा तन स्वदेशी। चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। मेरा वे कफन स्वदेशी। मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। उस काम में लगा हूं। अनुष्का पोटी की ना डाल के पी ले, देसी गाय का सूप गर्म पानी में डाल के, ज्यादा बोलना पड़ता है तब थोड़ी आवाज निकलती है। इसके लिए आयुर्वेद की एक औषध लेना, उस औषध का नाम है मुलैठी। मीठी लकड़ी कहते हैं, ज्येष्ठ मत, ज्येष्ठ मत की लकड़ी आती है उसको मुलैठी भी कहते हैं, मीठी लकड़ी कहते हैं ज्येष्ठ मत। उसका पाउडर बनाना पीस कर और मत मिला के काटना, या तो टूप में मिला के खाना। ज्येष्ठ मत का पाउडर गाय के रूप में मिला के खाना, या तो मध में मिला के खाना। थायराइड दो तरह का है, एक बोलते हैं थायराइड बढ़ गया और एक बोलते हैं थायराइड घट गया। जाति केस में 99% थायराइड बढ़ गया, उसकी औषध स्वयं का घर में है कोथमीर। कोथमीर का चटनी बनाना, कोथमीर जो पान का चटनी, एक चम्मच चटनी अर्ध गिलास गुनगुना कोमट पानी में मिला के पी। कतारी अनुष्का पोटी। थायराइड की समस्या के लिए जब थायराइड बढ़ गया, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं हाइपर थायराइडिज्म, इस समस्या के लिए कोथमीर के पान की चटनी बना के कोमट पानी में अर्ध कप पानी या अर्ध गिलास पानी में एक चम्मच चटनी मिला के पीना अनुष्का पोटी। कितना दिवस? कम से कम 90 दिवस, 90 days, 3 महीने कम से कम। और अगर थायराइड घट गया, ये तो बढ़ गया, 99% बढ़ता है, घटता तो बहुत कम लोगों को है। अगर थायराइड घटा हुआ है, डॉक्टर कहता हाइपोथायराइडिज्म है, तो उसके लिए औषध क्या है? उसके लिए औषध है पुदीने के पत्ते की चटनी, गुनगुने पानी में मिला के पी। घटा हुआ थायराइड है तो बढ़े हुए में कोथमीर के पत्ते। तकलीफ होती है भूख खाने से, भूख खाने से तकलीफ किसको है? आपको है, आप मुझे अलग से मिला। तेल और दूध खाने से जिनको भी त्रास है वो मुझे अलग से मिलना, मैं उनके लिए होम्योपैथी औषध लेके दूंगा। उसकी औषध अपने स्वयं का घर में नहीं, क्योंकि तेल और दूध दोनों औषध है, किसी को खाने से त्रास है तो ये तो सीरियस मामला। तो आप मुझे अलग से मिलना, मैं शाम तक मैं आपको एक होम्योपैथी औषध दे सकता हूँ। अर्ध गिलास पानी खूब गर्म करो, गाय का दूध उसमें डालो एक चम्मच और वो पानी को चाय की तरह से पियो, तो सारे केश नीचे चले जाएंगे, माने लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाएंगे। उसके बाद संडास के साथ निकल जाएंगे। क्या करना? खूब गर्म पानी करना, एक चम्मच दूध उसमें ले लाना और सक्कर आपको बोलता है ऑपरेशन करो, ऑपरेशन करके गांठ निकालो, फिर एक ऑपरेशन के बाद दूसरा फिर करना पड़ता है, क्योंकि जहां गांठ निकाली वहां फिर हो जाती, फिर थोड़े दिन बाद एक ऑपरेशन करेंगे, तीसरा ऑपरेशन फिर करना पड़ता है, ऐसे जिंदगी भर चलता है, क्योंकि गांठ होना जब तक बंद नहीं होगा ऑपरेशन होता ही रहेगा। इसलिए आप कभी भी छाती में गांठ हो तो ऑपरेशन नहीं करा, कभी भी नहीं करा। तो क्या करना उपाय उसका ये है, चूना खाना, चूना। चूने में गांठ को गलाने की सबसे ज्यादा शक्ति, 1 ग्राम चूना कैसे खाना, 1 ग्राम चूना इतना सा
रोज ताक में मिलाते, नहीं तो दही में मिलाते, नहीं तो जूस में, ऊस के रस में, आम के रस में मिलाते रोज पी, 1 ग्राम शुगर, इतना सा। कितने दिवस? कम से कम तीन महीने। शुगर खाना, चूना जब भी खाना सुबह खाना, 3 महीने में 99% गांठ गलेगी, नहीं गले तो मुझे एक फोन करें, मेरा फोन नंबर लिख लो, 9422909 0359 9422909 0359 उस स्थिति के लिए क्या करना, ये भी छाती की ही बीमारी है, इसके लिए स्वयं का घर की एक औषध है मेथी का दाना, वो आई को देना। कैसे देना? 1 चम्मच मेथी दाना 1 गिलास पानी में रात्रि को डालना, रात्रि पर्यंत पानी को रखना, सकाळी उठकर वो दाना चबा के आई खाएगी और पीछे से वो पानी पी। 3-4 दिवस अगर आपने ले लिया, आई को भरपूर दूध उतरेगा, भरपूर दूध उतरेगा। और ये दूसरे तरीके से ये उपयोग कर सकते हैं, मेथी दाने को पीस के पाउडर बना ले, उसका लड्डू बनाना, सूप और गुड़ मिला के वो लड्डू आई को देना, उसको खाने के बाद भी दूध और भरपूर दूध उतरेगा। अंगार फोड़ना, हड्डी डकारे आना, गैस बनना, एसिडिटी होना, ये सब रोग बहुत ज़्यादा है पोट के, ये सभी रोगों की एक औषध हमारे स्वयं का घर में है, मैंने थोड़ी देर पहले बोला था, ओवा अजवाइन, ओवा को सेक करना तवे पे और कांच की बाटली में भर के रखना, जेवन नंतर भोजन के बाद 1/2 चम्मच उसको चबा के खा, बस इतनी सी औषध। ओवा को सेक करना, तवे में सेक करना, कांच की बाटली में भर के रखना, फिर भोजन के बाद चबा के उसको खाना 1/2 चम्मच, तो गैस बनना, एसिडिटी होना, हाइपर एसिडिटी होना, पेट में जलन होना, छाती में जलन होना, गले में जलन होना, ये सब समस्या एक औषधि से ठीक हो जाती। पेट में एक दूसरा रोग है, वो हमारी सभी आई और ताई को है, गर्भाशय से संबंधित रोग है और वो मासिक पाड़ी का रोग है। मासिक पाड़ी के रोग आप जानते हैं कई तरह के हैं, उनमें से एक है मासिक पाड़ी समय से नहीं आना, दूसरा रोग है मासिक पाड़ी के समय में त्रास बहुत होना, दर्द बहुत होना, चिड़चिड़ होना, तीसरा रोग है रक्तस्राव जास्ती होना, चौथा रोग है रक्तस्राव बिल्कुल नहीं होना। कभी कभी ऐसा होता है कि मासिक पाड़ी 2-3 दिन होना चाहिए, 1 दिन ही होता है, कभी ऐसा भी होता है कि वो 15 दिन में ही फिर से आ जाता है, कई बार ऐसा होता है 2 महीने तक नहीं आता। तो ये सब मासिक पाड़ी के जितने भी त्रास हैं, इसकी हमारे स्वयं पाक घर में बहुत अच्छी औषध है, या स्वयं पाक घर के बाहर औषध है, अशोक के पान का चटनी। अशोक है, अशोक का झाड़ देखा, अशोक, ये अशोक नहीं, ये है देखो, ये झाड़ को क्या बोलते हैं मराठी, हाँ ये अशोक का झाड़। अशोक के झाड़ 2 होते हैं, एक तो सीधा होता है लंबा, वो नहीं, और एक ऐसे फैला हुआ होता है गोल, जैसे ये है, ये वाला ज़्यादा अच्छा। इसका क्या करना है, 5-6 पान तोड़ना, 6 पान, फिर उसका चटनी बनाना, चटनी बना के 1 गिलास पानी में
उबालना, गरम करना, गरम करके उसको ठंडा करना, फिर उसको पीना और सुबह सुबह पीना खाली पेट अनुशप हो। कितने दिवस पी सकते हैं? 30 दिवस सतत पीना, लगभग 30 दिवस एक महीने, उसमें से सभी त्रास ठीक हो जाए। मासिक पाड़ी के जितने भी त्रास हैं उसकी ये अकेली सबसे अच्छी औषध हमारे घर में है या घर के नजदीक है, मुफ्त में है, फोकट में। कमर में दर्द होता वो भी ठीक होगा, लेकिन वही कमर का दर्द जो मासिक पाड़ी के समय होता है, बाकी समय नहीं। बाकी समय ठीक करने के लिए चूना खाना पड़ेगा। अभी मैं भोजन करता था, कोई 2-3 ताई मेरे पास आई थी मासिक पाड़ी की तकलीफ, उनके लिए भी यही औषध। फिर से बताता हूँ, औषध बहुत महत्व की है, इसलिए आप उसको ध्यान से सुनिए, आप सभी के काम की है। ये अशोक के पान 5 या 6 तोड़ना, इसकी चटनी बनाना, चटनी बना के 1 गिलास पानी में गर्म करना, पानी इतना गर्म करना कि आधा हो जाए, ज़्यादा देर गर्म करना, फिर ठंडा करना उसको, ठंडा करके पीना, और जो भी उसमें पान है ना वो चबा के खा लेना, उसको छानना नहीं। 30 दिन आपने किया एक महीने सतत, उतने में बहुत सारा त्रास ठीक हो जाए। और जिनको 30 दिन लेने पे थोड़ा त्रास ठीक हुआ, पूरा नहीं हुआ, तो और 30 दिन लेना, उसके बाद लेने का आवश्यकता नहीं पड़ेगा। दूसरा एक औषधि है, वो भी इसी काम में आता है, मदद होता है। मासिक पाड़ी के दिनों में बहुत तकलीफ हो रही हो, दर्द हो रहा हो, कमर में, पेट में चिड़चिड़ हो रही हो, तो उस समय एक तात्कालिक औषधि है जो बहुत मदद करती है, बहुत आराम देती है, वो है गाय का तूप। गाय का तूप 1 चम्मच, 1 गिलास पानी गर्म करके डाल के उसको पीना, 1 गिलास पानी खूब गर्म करना, उबालता हुआ, जैसे चाय के लिए पानी गर्म करते ना, इतना गर्म करना, फिर उसमें 1 चम्मच तूप डालना गाय का, फिर वो पानी पीना, चाय की तरह से पीना। चाय कैसे पीते हैं? सिप सिप करके ऐसे पीते। तात्कालिक इससे बहुत आराम होता है, और ये सतत 4-5 दिवस ही पीना, जास्ती नहीं। जितना मासिक पाड़ी का समय है उतना ही समय पीना, 4-5 दिवस जास्ती से जाए। सबके लिए, पेट के दर्द के लिए, कमर के दर्द के लिए, स्तन में बहुत दर्द हो रहा है, छाती में दबाव पड़ रहा है, सिर में बहुत चक्कर आ रहे हैं, चोटे दुख रहा है, नींद नहीं आ रही है, बेचैनी हो रही है, मासिक पाड़ी के समय कुछ भी त्रास हो उसके लिए। और सतत आपको जीवन पर्यंत, माने जब तक मासिक पाड़ी है तब तक ठीक रहे, कोई ज़्यादा त्रास ना हो, उसके लिए आप चूना खाना, दही में डाल के, नहीं तो ताक में लेना। चूना कितना लेना? मैंने बोला थोड़ा सा चूना 1 ग्राम और 100 ग्राम दही या दही की ताक उसमें मिला के सुबह पीना, तो सतत जीवन पर्यंत आपको सब कुछ ठीक रहेगा। ठीक है, अभी कोई प्रश्न हो तो पूछो। लेकर और घुटने तक के दर्द के बारे में, बहुत बार दर्द होता है और घुटने से लेके हमारे टांग तक भी बहुत सारा दर्द होता है। ये दर्द ज़्यादातर संधिवात का है, संधिवात आप सब समझते हैं, बात का दर्द कहते हैं, संधिवात का दर्द कहते हैं, अर्थराइटिस कहते हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। ये सभी दर्द के लिए सबसे अच्छी औषध हमारे स्वयं का घर में तो नहीं है, घर के बिल्कुल नज़दीक में है, जैसे ये अशोक का पेड़ है वैसे ही एक पारिजात का पेड़ होता है। पारिजात देखा आपने? पारिजात, उसको फूल आते हैं, छोटे सफ़ेद रंग के फूल होते हैं,
और वो फूल का जो डंडी होता है वो ऐसा होता है केसरी नारंगी रंग का, तो वो झाड़ के पान लेना, छह पान, उसका चटनी बनाना। चटनी बनाकर एक गिलास पानी में डालकर खूब गर्म करना, इतना गर्म करना कि पानी आधा हो जाए, फिर उसको ठंडा करना और ठंडा करके फिर उसको पीना। अब इसमें यह ध्यान रखने का है कि अशोक के झाल से पान का पत्ते का जो चटनी और काढ़ा बनाना है वो तो दिवस में कोई भी समय लेगा लेंगे ले सकते हैं, लेकिन ये पारिजात के पान के पत्ते का जो है पारिजात के, ये सुबह ही लेना आता, ये दिन में नहीं ले सकते, सुबह सुबह लेना। किसका? पारिजात के पान वाला सुबह लेना, खाली पोट लेना, अनुषा पोटी लेना, नाश्ता करने से पहले लेना। तो इसमें ये करना कि रात्रि को पान तोड़ के चटनी बना के गरम करके उसको रखना, सुबह उठकर उसको पी, तो गुर्दे का दर्द, घुटने का दर्द, कमर का दर्द, फिर यहाँ टांग से लेके और नी जॉइंट तक के बीच का दर्द, ये हमारी ये उंगलियों का दर्द, हड्डियों का, सब तरह का दर्द इससे मिट जाता है, और कितना भी पुराना दर्द मिट जाता है। ये 30 दिवस सतत लेना, फिर थोड़े दिन के लिए कम करना या बंद करना, फिर दोबारा 30 दिवस ले सकते हैं। 30 दिवस लेना, 15 दिवस के लिए छोड़ देना, फिर से 30 दिवस ले सकते। एक बार 30 दिवस के बाद बीच में बंद जरूर करना, नहीं तो ये बहुत गर्म है, 30 दिवस से ज़्यादा लेंगे ना तो गर्मी करता है, तो बीच में छोड़ के फिर अगले 30 दिवस ले सकते। समझ में आया? ये फिर से समझ लीजिए, ये बहुत काम का है, कितना भी पुराना, 40 बरस पुराना, 50 बरस पुराना, 60 बरस पुराना, कितना भी पुराना, ये फिर से मैं बताता हूं, गुर्दे दुख रहे हैं, कमर दुख रही है, फिर आपके जंघा में दर्द है, ये आपके नी जॉइंट से लेके और एंकल जॉइंट्स के बीच में दर्द है, ये सभी दर्द जिसको हम संधिवात कहते हैं, बात कहते हैं, इसकी औषध है पारिजात के पान का काढ़ा, और मासिक पाड़ी के सभी त्रास के लिए औषध है अशोक के पान का काढ़ा। काढ़ा समझते हैं? पानी में उबाल के जो आपने तैयार किया वो काढ़ा ले, वो भी 30 दिन लेना, 30 दिन में सभी बीमारी ठीक होगी, नहीं ठीक हुई तो बीच में थोड़े दिन बंद करके फिर 30 दिन ले लेना, 30 दिन में 99% ठीक हो जाता, जरूरत ज़्यादा नहीं पड़ती, ज़्यादा लोगों को तो 7-8 दिन में ही ठीक हो जाता, ठीक है। अभी कोई प्रश्न है तो पूछो, ये दोनों विषय, हाँ, हर दिन बनाने का, हर दिन लेने का, ये बना के नहीं रख सकते, अभी बनाया आज और आज उसको पी लिया, फिर कल बनाया कल पी लिया। अभी आप मुझे ये बताइए कि आप में से किस किस के घर में अशोक का झाड़ है, बस बाकी के घर में नहीं, गांव में है तो एक एक घर में लगा लो, गांव में है तो ठीक है, लेकिन किसी के घर से उसका थोड़ा सा पौधा लाके लगा लो, क्योंकि ये सबके घर में होना चाहिए, क्योंकि सभी को ये त्रास हो सकता है, जिसके भी घर में आई है ताई है उसको तो ये अवश्य चाहिए अशोक के झाड़ को घर में लगा। और मेरा सबको और ये कहना है कि पारिजात का झाड़ भी घर में होना, देशी, हाँ इलायची नहीं, देशी, ये जो अशोक का झाड़ लंबा जाता है ना, ये विलायती है और ये ऐसे फैलता है, वो देशी, और पारिजात में विलायती होता नहीं, पारिजात सिर्फ देशी ही है,
तो पारिजात का झाड़ सभी के घर में होना और अशोक का भी सबके घर में होना। तुलसी का तो है ऐसे ही, पारिजात का, अशोक का, ये तीन झाड़ सबके घर में होना आवश्यक। तो इस बार आप, अभी बारिश शुरू होगी, पाउस का सीजन आएगा, ये झाड़ आप जरूर लगाना अपने घर में, बहुत काम आएगा, आपके भी काम आएगा, आपके पड़ोसियों के भी बहुत काम। प्रश्न पूछिए। राजू भाई, हाँ, एक प्रश्न है, अलग है थोड़ा, अशोक के झाड़ के बारे में मैंने आपको पूछा था, तो आप बोले थे कि सीता माता ने अशोक के झाड़ में, हाँ, आपने रामचरितमानस पढ़ी, रामायण, राम की कहानी सबको मालूम, तो राम की जो धर्म पत्नी थी सीता, उनको रावण उठा ले गया। तो रावण का एक बहुत बड़ा बाग था, बागीचा, उसमें एक अशोक वन था, वो अशोक वन में सारे झाड़ अशोक के थे, वहां पर सीता को उसने रखा। तो ये कहा जाता है कि उनको कितना मानसिक त्रास था, सीता जी को सारा मानसिक त्रास, इतने वर्ष तक वो अशोक के झाड़ के नीचे रहकर ही उन्होंने ठीक किया, अशोक के झाड़ का कितना महत्व, सीता उसी के नीचे रहती थी और उसी के नीचे रहकर उन्होंने जीवित रखा अपने। तो अशोक का झाड़ बहुत अच्छा है, खासकर स्त्रियों के लिए सबसे अच्छा। तो हमारे घर में जितनी भी आई और ताई की समस्याएं हैं, मासिक पाड़ी की, गर्भाशय से जुड़ी हुई, वो सब समस्याओं की औषध अशोक के झाड़ के पान से ही बनती है। औषध ऐसे ही बनती है जो मैंने आपको बताया, पान तोड़ के चटनी बना के पानी में गर्म करके, पानी को उबाल कर आधा करके ठंडा करके पी, ठीक है, कर पाएंगे और बताएंगे दूसरों को, क्योंकि ये बहुत लोगों को आवश्यक है इसकी माहिती। और परिजात के पान का भी, जिनको भी गठिया की तकलीफ है, संधिवात करो। अभी कोई प्रश्न है तो पूछिए। गुड़ के साथ शेंगा खाना, गुड़ शेंगा खाना, फिर गुड़ फुटाने खाना, गुड़ फुटाने, गुड़ शेंगा, और उनको खाना केला दही, केला दही खाना, केला दूध खाना, और रोज रात को गाय का दूध और सूप मिला के पी, जिनको तबीयत बढ़ाई, इन सभी के लिए ये उपाय। दूध केला, हाँ, विरुद्ध आहार उनको करना ही है, जिनको तबीयत एकदम बारीक है वो विरुद्ध आहार करने से जारी होती है, इसलिए दूध केला उनको जरूरी है। दूध केला, दही केला भी अच्छा है उनके लिए, पंचामृत में दही केला, या तो दूध केला, या तो शेंगा गुड़, नहीं तो फुटाने गुड़, और तूप और दूध रोज रात तबीयत अच्छी करने के लिए। और तबीयत अच्छी करने के लिए उड़द की दाल खाना, उड़द, उड़द, और खूब ज्यादा तबीयत करनी है तो तिल खाना, तिल चबा चबा के, तिल होता है ना, तिल काला हो तो अच्छा, नहीं तो सफेद तिल, भोजन के बाद जीवन नंतर एक चम्मच तिल मुंह में डाल के चबा चबा के खाना है। हाँ, शेंग दाने खाने से क्या गुड़ के नहीं दुखे, कभी भी नहीं दुखे, शेंग दाना हमेशा खाना गुड़ के साथ, कभी भी गुड़ के नहीं दुखे, ठीक है। तिल खाना, गुड़ खाना, शेंग खाना, फुटाने खाना, उड़द की दाल खाना, केला दही, केला दूध, और सूप और दूध, इतनी चीजें कोई भी खाएगा तबीयत खूब अच्छी होगी। और आखिरी एक माहिती कि खूब अच्छी तबीयत करनी है तो ये सब खाते हुए टमाटर खाना,
तो तबीयत अच्छी होगी और चेहरा एकदम लाल हो जाए, टमाटर जैसा लाल, कच्चे टमाटर, थोड़ा मिरी डाल के, काली मिर्च डाल के कच्चा टमाटर खाएं, एकदम चेहरा लाल लाल, तबीयत भी बढ़िया, चेहरा भी है क्या? तो तबीयत अच्छा करने का सुन लिया, अभी तबीयत घटाने का भी सुनो। तबीयत घटाने के लिए, जिनको भी तबीयत घटानी है उनके लिए सबसे सबसे ज्यादा आवश्यक है हमेशा पानी कोमट पीना, सतत कोमट पानी, गर्मियों में भी, उनाड़ा में भी कोमट पानी पीना, पहला उपाय। दूसरा उपाय है पानी घूट घूट करके पीना, सिप सिप करके, कल इस पर और भी आपको माहिती मिलेगी, पानी रुक रुक के पीना, घूट घूट पीकर। तीसरा उपाय है कोमट पानी में मध मिला के पीना, मध, थोड़ा नींबू का रस, थोड़ा मध, थोड़ा कोमट पानी मिला के पीना, तबीयत कम करने के। और तबीयत कम करने के लिए गाजर खाना, गाजर, गाजर है ना, उसको घिसने का, तो कद्दूकस को क्या कहते हैं मराठी में, जिसको घिसते हैं, किस किस किसने, यस यस किसने, किसने में गाजर घिसने का, फिर वही किसने में सेब घिसने का, सेब, सेब माने सफरचंद, एप्पल, दो तीन गाजर घिसने का, दो तीन सफरचंद घिसने का, फिर घिसके जो निकलेगा ना वो खाने का, गाजर और सफरचंद का मिक्स कर, सकाड़ी, नाश्ता पूर्व। तो अगर आपने एक सेब और तीन चार गाजर रोज किसने में घिसके खाया तो तबीयत बहुत कम हो जाती, और जब कम हो जाएगी तभी बंद कर देना, नहीं तो बहुत त्रास हो जाएगा। यदि आपको लगा कि अभी तबीयत बराबर हो गई है, इससे ज्यादा कम नहीं करना है, तभी बंद करना, सतत खाते रहेंगे तो फिर बिल्कुल बारीक हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, एक कारण ये है, ये किसके लिए है, जिनको कुछ भी त्रास नहीं है लेकिन तबीयत जास्ती, हाँ बीमारी कुछ नहीं है लेकिन बस तबीयत अच्छी है, बीमारी नहीं। अभी एक और कारण है कि जब भी तबीयत बहुत ज्यादा होती है किसी बीमारी से, उस बीमारी का नाम है हाइपरथायराइडिज्म, थायराइड की बात हुई थी ना, तो उनके लिए दूसरा उपाय, उनको ये काम नहीं आएगा, क्या, सेब, सफरचंद और गाजर, ये गाजर और सफरचंद उनके लिए है जिनको त्रास कुछ भी नहीं है लेकिन तबीयत जास्ती। अभी अगर थायराइड की समस्या है और तबीयत जास्ती हुई है तो उसके लिए वही है, कोथमीर का रस, कोथमीर के पान की चटनी दो चम्मच, एक गिलास गुनगुना पानी, कोमट पानी उसमें मिला के पी, सकाड़ी अनुसप, ये उनके लिए है जिनको थायराइड के कारण तबीयत जास्ती है। बिना थायराइड के तबीयत जास्ती हुई है तो सफरचंद, गाजर, और मैंने बोला था गुनगुना कोमट पानी, मध, और उसके साथ थोड़ा सा नींबू का रस, ठीक है। अच्छा, चलता रहता, अभी इनका जो प्रश्न है इसका व्यक्तिगत उत्तर मैं दूं या तो दवा लिख के दूं, अभी मैं एक दो माहिती और देके ये अभ्यास पूरा कर रहा हूँ, मैंने ये अध्याय पूरा कर रहा हूँ। एक माहिती मुझे ये देनी है कि हमारे घर में छोटे बच्चे होते हैं, कई बार उनकी ऊंच नहीं बढ़ती, ऐसे बहुत बच्चे हैं ऊंच नहीं बढ़ती, उसके लिए तो एकमात्र औषध है चूना। जो बच्चों की उम्र जास्ती नहीं है
उनको दही में ताक में चूना मिला के खिलाना। चूना कितना? थोड़ा सा, 1 ग्राम जीरे के दाने के बराबर। दही कितना? 100 ग्राम, उसमें मिला के खिलाना सुबह। और कितने दिवस? कम से कम 1 साल। एक साल। और ऐसे कुछ बच्चे हैं जो मती मंद है। यहाँ पे कुछ 2-3 बच्चे हैं जो मैंने अभी देखे, मती मंद, जिनकी बुद्धि का विकास नहीं हुआ, उनकी भी यही औषध है, चूना और दही। 100 ग्राम दही में चूना मिला के रोज देना। हाँ, अभी उंच बढ़ने का तभी तक होता है 21 वर्ष तक। 21 वर्ष की उम्र तक उंच बढ़ता है, उसके बाद में। तो जिनका 21 वर्ष पूरा हुआ वो उंच बढ़ाने के लिए चूना खाएंगे, लाभ नहीं होगा। 21 अभी नहीं हुआ है तो जरूर लाभ होगा, लेकिन 1 वर्ष खाना पड़ेगा सतर्क। मती मंद है बच्चे, उनको तो कभी भी दे सकते हैं। मती मंदता के जो रोग हैं उसमें 21 वर्ष, 30 वर्ष, 35, 40, कितनी भी उम्र तक आप दे सकते हैं। चूना दही में डाल मती मंदता कम होती है। मती मंदता कम होती है, इंटेलिजेंसी बढ़ती है, होशियारी बढ़ती है। उंच कम करना नहीं, क्यों करना कम? वो टाइप पूछती है उंच कम करना। सभी लोग परेशान है उंच बढ़ाने के लिए। हाँ, मैं अभी उस पर भी बात करूंगा। तो ये बात हो गई, उंच बढ़ाने के लिए हो गई, मती मंदता के लिए हो गई, तबीयत अच्छी करनी है, तबीयत कम करनी है, सब हुआ। अभी और एक प्रश्न आ गया कि मासिक पाड़ी के कारण बहुत लोगों को बहुत सारी समस्याएं होती हैं। कुछ लोगों को मासिक पाड़ी के कारण शरीर बारीक हो सकता है, कुछ लोगों का शरीर बहुत ज़्यादा हो सकता है, कुछ लोगों को डोके का त्रास हो सकता है, कुछ को आंखों का हो सकता है, कमर का त्रास तो बहुत लोगों को होता है। मासिक पाड़ी के कारण जो त्रास है उसके लिए जो औषध है, 3-4 औषध है अपने घर में। एक औषध है मेथी दाना, मेथी दाना। मेथी दाने का तरीका मैं बता दिया पहले। 1 चम्मच दाना रात को पानी में डालना, रात्रि पर्यंत पानी रखना, सकाल उठ के पानी पीना, दाने को चबा के, मेथी दाना। दूसरा औषध है चूना। तीसरा औषध मैं बोल ही दिया, अशोक का पान। चौथा एक औषध है दालचीनी। दालचीनी मध में मिला के लेना। पांचवा एक औषध तात्कालिक रूप से बोला, गर्म पानी में टूप। और एक आखिरी औषध है स्वयं पाक घर में। वैसे तो बहुत औषध है, मनुक्का। अब इसमें जो मनुक्का है वो काला वाला नहीं, काला वाला नहीं, काला छोड़कर कोई भी मनुक्का। मासिक पाड़ी के त्रास, खाने का तरीका वही, मनुक्के को पानी में डालना, रात्रि को सुबह उठकर पानी पीना, मनुक्का चबा के खाना। नहीं, एक एक करिए, एक साथ सब औषध करने का जरूरत नहीं है। कोई एक औषध करिए, आपको उसका परिणाम पूरा नहीं आया तो दूसरा कर सकते हैं, तीसरा कर सकते हैं, इस तरह से ट्राई करें। हाँ, क्या? हाँ, कचरा भर गया तो उसकी बहुत अच्छी औषध है गाय का तूप। गाय का तूप नाक में डालिए, भरपूर मेदु क्लीन करके। एक एक थे। और गाय का तूप घी में मिला के, दूध में मिला के भी पिए तो पूरे शरीर को क्लीन करता, मेदु को भी करता, शरीर को भी करता।
हाँ, तो अब मैंने जितना मुझे बोलना था तो बोल दिया, अभी आपको कुछ पूछना है पूछो, नहीं तो मैं दूसरा अध्याय शुरू करने वाला हूं। हाँ पूछिए। पाँव में मूंगे आते हैं, जिनको भी पाँव में मूंगे आते हैं वो दो औषध में से कोई भी एक करें। एक औषध है मनुख का खाना, रात्रि को मनुख का पानी में डालना, सुबह उठ के चबा के खाना, पीछे से पानी, ये एक औषध। दूसरी औषध है चूना खाना, दही में डाल के, ताक में मिला के, ऊस के रस में मिला के, किसी में भी मिला के चूना खाना। दोनों में से जो अच्छा है आप उसे करें। पाँव में मूंगे आना, हाथ में मूंगे आना, शरीर में मूंगे आना, कहीं भी मूंगे आना। जी पित्त, पित्त इसका स्टोन गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर स्टोन की औषधि सबके लिए एक जैसी नहीं है, अलग अलग है, आप लिखवा लेना मुझसे होम्योपैथी में, रसोई में नहीं है उसकी औषधि। क्या हुआ? एड़िया, एड़िया फटती है ना, टांग फटती है, हाँ इसकी औषधि है, बहुत बहुत आसान औषधि है। एक तो है आपके घर में एक औषध बना के रखना, उस औषध में तीन वस्तुएं लगती हैं, ग्लिसरीन, गुलाब पानी, नींबू का रस। ग्लिसरीन, गुलाब पानी, नींबू का रस, ये तीनों बाजार में मिलते हैं, आप इसको लेना, बराबर मात्रा में लेना, और एक कांच की बाटली में मिला के खूब अच्छे से हिला के रखना। रात्रि को जब आप सोएंगे तो आपकी टांग पे लगा के सो। ग्लिसरीन, गुलाब पानी, नींबू का रस, तीनों को मिक्स करना, रात्रि को पाँव में लगा के मालिश करके सोना, सुबह उठकर कोमट पानी से पाँव धोना। वो भी बता, तो इससे आपका जो चीरा पड़ता है ना पाँव में, ये बिल्कुल ठीक होगा। और इससे और भी एक चीज ठीक होती है, शियाड़ा में मुंह को अगर तकलीफ हो रही है, ड्राइनेस आ जाए, मुंह को शुष्कता आ जाए, या तो यहाँ चीरा पड़े होठ में, या भी यहाँ पे चीरा, तो शियाड़ा में ये चेहरे पर लगाते भी सोना, यही ऑप्शन। ग्लिसरीन, गुलाब पानी, नींबू का रस, बता देख लिया, ये टांच की बीमारी का। अब ये ताई बार बार मुझे पूछ रही है आम्ल पित्त की औषध। आम्ल पित्त की औषध मैं बोल चुका हूं, ओवा, अजवाइन सेक करके तवे पे रखना है, और खाना खाने के बाद चबा के खाना। हाँ पित्त के कारण पेट में दर्द होगा, ओवा से ठीक होगा, पित्त का कोई भी रोग ओवा से ठीक होता है। जी मूत खड़ा जो है ना, इसकी औषध आपके स्वयंपाक घर में नहीं है, तो ये औषध बाजार से लेनी पड़ेगी। आप चाहें तो उसका नाम लिख लो, ये होम्योपैथी की औषध है, होम्योपैथी के दुकान में मिलेगी। औषध का नाम है बर्बेरिस, मराठी में लिख लो बर्बेरिस, बर्बेरिस मराठी में लिख लो, और उसके बाद दूसरा शब्द है वल्गैरिस, वो भी मराठी में, बर्बेरिस वल्गैरिस, और उसके आगे लिखना ए बी सी डी होती है ना, उसका क्यू, ए बी सी डी एफ जी क्यू आता है ना, क्यू क्यू लिखना। ये औषध होम्योपैथी की है, ये होम्योपैथी के किसी भी दुकान में मिलेगी। इस औषध का 10 तेल पाव कप पानी में मिला के पानी को पीना, दिवस में 3-4 बार, सकाड़ी, दोपहरी, संध्याकाली और रात्रि काली। ये औषध है मूत खड़ा की, उसको तोड़कर बाहर निकालने की औषध। स्पॉन्डिलाइटिस की सरल औषध है चूना, तो ये औषध आप मूत खड़ा में उपयोग कर सकते हैं।
और एक दो औषध बता देता हूँ जो आपके बहुत उपयोग आएगी और जरूरी भी है। एक औषध का नाम आप लिखिए, वो भी होम्योपैथी की है। किसी को अगर सांप काट ले तो सांप काटने के बाद आप बहुत तकलीफ में आ सकते हैं, आपके घर में किसी को भी हो सकता है, पड़ोसी को हो सकता है, फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, इंजेक्शन मिलेगा तो ठीक, नहीं मिलेगा तो मृत्यु हो सकती है। और इंजेक्शन भी बहुत महंगा है आजकल, आसानी से मिल नहीं पाता। तो कभी भी सांप काटे तो उसकी औषध होम्योपैथी के दुकान में मिलती है, बहुत सस्ती है, 5 रुपये की औषध आती है और कम से कम 100 लोग ठीक होते हैं। औषध का नाम है नाजा, NAJA, नाजा, NAJA, नाजा। उसके आगे एक संख्या लिखना है, 200 नंबर, 200। ये औषध सबके घर में रहे तो अच्छा, कभी भी सांप काट सकता, कितना भी जहरीला सांप हो उसने काट लिया, आप ये औषध देना। कैसे देना? ये औषध पानी के रूप में आती है, लिक्विड फॉर्म में, इसका एक एक थेम जीभ पर देना और 5 मिनट के अंतर पर 3 बार देना। एक थेम दिया, 5 मिनट अंतर दूसरा थेम, 5 मिनट अंतर तीसरा थेम, बस 3 थेम देना, उतने में वो ठीक हो जाए जिसको भी सांप ने काटा। फिर दोबारा देने का आवश्यकता नहीं। हाँ, सांप काट लिया, हो गया, इलाज हो गया ना, अभी डरने का नहीं, सांप काटने से कभी डरने का नहीं। मैं आपको एक माहिती देना चाहता हूँ, भारत में 530 जात के सांप हैं, 530, लेकिन सब जहरीले नहीं हैं। मुश्किल से 10 या 12 सांप हैं जो काटें तो उनका जहर तकलीफ देता है, बाकी तो बिन जहरी हैं। लेकिन हमारे मन में डर इतना है कि ऐसे ही हम मर जाते हैं, डर से, सांप से नहीं मरते, उसके विष से नहीं, डर से मर जाते। तो आपको डर नहीं रहना चाहिए, ये औषध अगर हमारे घर में है। दूसरी औषध है, बिच्छू ने काटा तो, बिच्छू ने काटा तो उसका औषध है, वो भी होम्योपैथी का है, घर में नहीं है, स्वयं पाक घर में ये औषध नहीं है। बिच्छू के काटने का औषध है साइलिशिया, या उसको सिलिशिया भी कहते हैं, अंग्रेजी उसकी है SILICEA, 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 और उसके आगे वो संख्या लिखना है 200। ये भी होम्योपैथी का, और इसको भी ऐसे ही देना है, एक फेम जीप पर, 5-7 मिनट बाद दूसरा फेम, फिर 5-7 मिनट बाद तीसरा फेम, 3 बार देना, उसके बाद हमेशा के लिए दर्द मिट गया। अभी एक तीसरी औषध है, कुत्ते ने काटा, अब कुत्ता कई बार काटे और पागल कुत्ता है तो बहुत त्रास, घर का कुत्ता है तो कोई त्रास नहीं, पागल कुत्ता है बहुत त्रास होता है, इंजेक्शन लगने लगते हैं, बहुत महंगा पड़ता है ट्रीटमेंट। उससे अच्छा ये है कि आप ये औषधि घर में रखते हैं, इस औषधि का नाम है हाइड्रोफोबिनम, हाइड्रोफोबिनम, HYDRO PHOBINUM, हाइड्रोफोबिनम। इसके आगे भी एक संख्या लिखना, 200। और ये औषध भी ऐसे ही देना, कुत्ते ने काट लिया, एक फेम जीप पर, 10-12 मिनट बाद फिर एक फेम जीप पर, फिर 10-12 मिनट बाद एक फेम, 3 बार देना इसको भी, बस उसके बाद देने का आवश्यकता है। तो सांप ने काटा, बिच्छू ने काटा, कुत्ते ने काटा, और कोई काटता है?
आदमी काटता है, उसकी औषधि किसी के पास नहीं। अच्छा, कई बार दांत काटता है, दांत, और कुछ खतरनाक दांत काटते मलेरिया हो जाता, तो उसकी भी एक औषधि है। कोई भी खराब से खराब दांत काटे या कोई कीड़ी काटे, टीपी काटे या दांत काटे, या तो मराठी में क्या कहते, मधुमक्खी, मधुमक्खी ये भी काट सकते। तो मधुमाछी अगर काट रही है तो उसकी औषध का नाम लिख लो, एपिस, ए पी आई एस, ए पी आई एस, एपिस, मधुमाछी काटो, कहीं पे भी काटो, और उसके भी सामने लिखना संख्या 200, एपिस। ये भी एक एक थे जीप पर, और मधुमाछी को छोड़कर कोई भी काटे, दांत काटे, कीड़ी काटे, तो औषध का नाम है लीडम, एल ई डी यू एम, एल ई डी यू एम, लीडम। और मैं आपको एक छोटी माहिती देता हूं, लेकिन बहुत काम की है, कि अगर सांप ने आपके घर में गाय को काटा तो भी वही औषध काम करेगी, ना गाय। अगर बिच्छू ने गाय को काटा तो भी वही औषध काम करेगा। अगर कुत्ते ने गाय को काटा तो भी वही औषध काम करेगी, हाइड्रोफोबिक। जो औषध मनुष्य के शरीर को काम करती है वो गाय को भी काम करती है, मनुष्य के शरीर को काम आने वाली सभी औषध गाय के शरीर को भी काम करती है। अभी ठीक है, इसको पूरा करें। वो पानी में डाल दो, गाय जो पानी पीती है उसमें दो चार फेर में औषध का डाल देना, वो पानी पिला एक बार, दो बार, तीन बार से जाते हैं कोई भी औषध। हाँ, कोई साइड इफेक्ट, थोड़ा ज्यादा खाएंगे तो बस इतना ही है कि थोड़ा पित्त बढ़ सकता है, बाकी कोई साइड इफेक्ट नहीं। अर्ध सीसी कोई भी किसी को दर्द है तो नाक में गाय का दूध रात को डाल के सोएंगे, अर्ध सीसी बिल्कुल ठीक होगा। रामकृष्ण, ये ल्यूकोडर्मा होगा, पैचेस होते हैं उसके, रेडिएशन से होता है। हाँ बिल्कुल, ये पुदीने के पत्ते की चटनी से बिल्कुल ठीक हो। पेट साफ होने के लिए सबसे अच्छी औषध त्रिफला चूर्ण, दूसरी औषध मनुक्का। मनुक्का रात को खा के सोना, सुबह पानी में मनुक्का डालना, कम से कम 15 मनुक्का, एक गिलास पानी, रात को सोने से पहले मनुक्का चबाना, पीछे से वही पानी पीना, ये पेट साफ करने के लिए बहुत उपयोगी है। दूसरी औषध है त्रिफला चूर्ण, एक चम्मच एक गिलास पानी में डाल के सुबह सुबह उठकर पीना, ये दूसरी औषध। दोनों में से कोई एक कर, दोनों एक साथ कभी भी मत कर। अभी मैं एक दूसरी माहिती की तरफ आपको लेकर जाना चाहता हूं। हमारे घर में कोई भी आयु को बच्चे होते हैं तो हमारे बच्चे स्वस्थ हों, तंदुरुस्त हों, बहुत अच्छे मेधावी हों, उनके जीवन में इंटेलिजेंसी हमेशा रहे, आई क्यू उनका बहुत अच्छा रहे, समाज का काम अच्छा करें, तो उसके लिए क्या करें। इसके लिए छोटे छोटे कुछ मैं उपाय बताता हूँ, आप जरूर उनका अपने जीवन में उपयोग करें। सबसे पहला उपाय है किसी भी आई को और किसी भी बाप को, माने पिता को, आई को और पिता को, दोनों को अपने जीवन में एक चीज हमेशा ध्यान रखनी पड़ेगी। अब भी अगर उनको बच्चे स्वस्थ, तंदुरुस्त, तेजस्वी, तपस्वी, संस्कारी,
और समाज का काम करने वाले ऐसे बच्चे अगर चाहिए तो उन बच्चों को पैदा करने से पहले उसका नियोजन करना पड़ेगा। बिना नियोजन के जो बच्चे होते हैं वो ज्यादा से ज्यादा दाऊद इब्राहिम होते हैं। ये मेरा 15 साल का डॉक्टरी के पेशे का अनुभव है, तजुर्बा है। मेरे पास बहुत सारे मरीज आते हैं जिनको अपने बच्चों से त्रास है और वो बच्चे इतने त्रासवादी हैं, आई वड़िल को पीटते, आई कुछ बोले उसको मारते हैं, वड़िल कुछ बोले उसको मारते हैं, आई वड़िल के कंट्रोल में नहीं रहते। जब उन बच्चों के बारे में मैं पूरी हिस्ट्री लेता हूँ तो अंत में जाके पता चलता है कि वो बिना नियोजन के उत्पन्न हुए बाई एक्सीडेंट। तो मेरा आप सभी को ये विनम्र निवेदन है कि जिनको अपने बच्चे तेजस्वी, तपस्वी, संस्कारी, समाजकर्मी, राष्ट्रवादी, धर्म के प्रति श्रद्धा रखने वाले, आई वड़ी की सेवा करने वाले ऐसे बच्चे अगर चाहिए तो उसके लिए नियोजन करना पड़ेगा। बिना नियोजन के वो बच्चे नहीं होते। सबसे पहला फैसला आपको ये करना पड़ेगा। जैसे आप बहुत सारे काम के लिए नियोजन करते हैं, घर बांधने के लिए नियोजन करते हैं, कैसे करते हैं, एक एक पैसा बचाते हैं, जितनी पगार है उसमें से पैसा काट काट के बचा बचा के घर बांधने का नियोजन हमारा होता है। ऐसे ही हम नौकरी के लिए बहुत सारे नियोजन करते हैं, तो ऐसा ही नियोजन आपको करना है, ठीक है। अब नियोजन क्या है, नियोजन करना है, ये पहली बात ध्यान रखिए। बिना नियोजन के बच्चे होंगे तो मैंने आपको बताया वो संस्कारी हो नहीं सकते। और आज के समय में दुख और दुर्दैव की स्थिति ऐसी ही है कि ज़्यादा बच्चे बिना नियोजन के ही हो रहे हैं। इसलिए आई वड़िल भी परेशान है, समाज उनसे परेशान है, देश भी उनसे परेशान है। ये त्रासवादी, आतंकवादी, देशद्रोही, ये सब हमारे ही अपने बीच के बच्चे हैं, लेकिन ये कैसे त्रासवादी हो गए, कैसे देशद्रोही हो गए, बिना नियोजन के होने के कारण। तो नियोजन करना पड़ेगा। अब नियोजन में क्या क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला नियोजन, संस्कारी बच्चा अगर चाहिए, प्रतापी बच्चा चाहिए, आपको समाजकर्मी चाहिए, धर्मनिष्ठ चाहिए, राष्ट्रप्रेमी बच्चा चाहिए, तो सबसे पहला नियोजन संयम पालना पड़ेगा। ये सबसे पहला नियोजन, बिना संयम के अच्छे बच्चे नहीं हो सकते। तो संयम आपको अपने जीवन में रखना पड़ेगा। और वो संयम रखने का तरीका क्या है, संयम रखने का बहुत सरल तरीका है, ज्यादा समय ब्रह्मचर्य का पालन करना। ब्रह्मचर्य संयम पालने का सबसे बड़ा तरीका है, सबसे आसान तरीका ये ब्रह्मचर्य का पालन करना। अभी मेरा जो फिजियोलॉजी और एनाटॉमी का अभ्यास है, विज्ञान का जो अभ्यास है, उस अभ्यास के हिसाब से मैं एक जानकारी देना चाहता हूँ। इस जानकारी को आप गंभीरता से सुने, स्वीकार करें। स्त्री के लिए संयम पालना बहुत आसान है, पुरुष के लिए नहीं। माने क्या है, ब्रह्मचर्य का पालन किसी स्त्री को करना हो तो वो बहुत आसानी से कर सकते, पुरुष के लिए ये संभव नहीं होता। क्यों? इसलिए कि ईश्वर ने स्त्री का शरीर ऐसा बनाया है जो पुरुष से ज्यादा अच्छा है क्वालिटी में। कुछ ऐसे हार्मोन्स हैं, कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो स्त्री शरीर में ही हैं, पुरुष शरीर में नहीं है, और वही हार्मोन्स स्त्री को ब्रह्मचर्य पालन करने में मदद करते हैं। तो स्त्री को ब्रह्मचर्य पालना अगर करनी है तो वो उसके लिए बहुत सहज है, सरल है, बहुत आसान है। जैसे हमारे जीवन के बहुत सारे काम हम सहजता से और आसानी से करते हैं, वैसे ही ब्रह्मचर्य का पालन और संयम का पालन किसी भी स्त्री को बहुत आसान है, पुरुष को उसके लिए प्रयास करना पड़ता है। स्त्री वो बिना प्रयास के ही कर सकती है। तो मैं ये बात जो कह रहा हूँ वो सब भाइयों के लिए कह रहा हूँ कि अगर अच्छी संतान चाहिए, तेजस्वी, तपस्वी, संस्कारी संतान चाहिए, तो आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना।
अब ब्रह्मचर्य का पालन करना है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा सा ये है कि आप अपने जीवन का थोड़ा ऐसा नियोजन करो जिसमें ज्यादा आपको स्त्री के साथ संसर्ग ना करना पड़े। साल में एक या दो बार करें तो सबसे अच्छा, नहीं तो महीने में सिर्फ एक बार, ऐसा आपको अपने जीवन में कुछ नियम बनाना चाहिए। इस नियम का पालन करने के लिए संकल्प चाहिए। संकल्प के लिए आपको एक औषधि की मदद लगेगी, तो वो आप याद रखिए। वो औषधि है आल का रस, आल अदरक। तो अदरक का टुकड़ा अगर मुंह में रख के चूसते रहें तो ये हमारे संकल्प को मजबूत करने में बहुत मदद करता है। किसी भी तरह का संकल्प हो, ब्रह्मचर्य पालन का संकल्प हो, व्यसन मुक्ति का संकल्प हो, पैसे के पीछे नहीं भागने का संकल्प हो, अपने जीवन में साधारण तरीके से रहने का संकल्प हो, ये सभी संकल्पों में मदद करता है। तो हमें अच्छी संतान के लिए संयम का पालन ब्रह्मचर्य की मदद से करना है और कोशिश करनी है कि साल में एक या दो बार, नहीं तो महीने में ज़्यादा से ज़्यादा एक बार, ये आपको करना है पुरुषों को। स्त्रियों के लिए ये सहज है, सरल है, क्योंकि भगवान ने उनको कुछ ज़्यादा गुण दिए हैं, उनमें से एक गुण ये है। अब ये गुण होने का एक ही कारण है, मैंने बताया कि उनके शरीर में कुछ ऐसे हार्मोन्स हैं जो पुरुष के शरीर में नहीं। अब उन हार्मोन्स का नाम लेके कॉम्प्लिकेशन नहीं करना चाहता, बस आपको समझाने के लिए। तो आपको बच्चों का नियोजन करना है और नियोजन इस तरीके से करना है, पहला कदम उस नियोजन का संकल्प करना ब्रह्मचर्य का। दूसरा नियोजन का दूसरा भाग क्या? दूसरा भाग आपको नियमित रूप से अपने जीवन में चूने का इस्तेमाल करना। चूना, चूना मैंने बार बार आपको बोला है, ये दोनों को इस्तेमाल करना है, स्त्री को पुरुष को। तरीका मैंने बता दिया है, दही में डाल के, ताक में मिला के, रस में मिला के, जैसे भी आपको लेना है, एक ग्राम चूना। ये दूसरा हिस्सा। तीसरा, आपको खान पान का ध्यान रखना। खान पान का ध्यान कैसे रखना है? अगर आपको आपके जीवन में ऐसे बच्चे चाहिए जो छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे हों, राणा प्रताप जैसे हों, तो खान पान का बहुत आवश्यक ध्यान रखना पड़ेगा। वो ध्यान कैसा रखना पड़ेगा? आपका भोजन सात्विक होना। सात्विक भोजन होने का माने मांस नहीं खा सकते, मदिरा नहीं पी सकते, अंडा नहीं खा सकते, किसी भी तरह का मांस नहीं खा सकते, कोई भी मांस नहीं चलेगा। तो सात्विक भोजन का माने निरामिष भोजन, सात्विक भोजन का माने शाकाहारी भोजन, सात्विक भोजन का माने बगैर अंडे का भोजन। ये सात्विक भोजन का आपको अपने जीवन में पालन करना ही पड़ेगा, बिना उसके आपके बच्चे तेजस्वी तपस्वी नहीं होने वाले। तो भोजन करते समय ये ध्यान रखें, मांसाहार का सेवन ना करें, तो शाकाहारी जीवन ज्यादा हो। शाकाहारी जीवन में कुछ चीजों का उपयोग भरपूर करना, जैसे गाय का दूध, गाय के दूध का दही, दही की ताक, ताक में से निकाली हुई लोनी, लोनी से निकाला हुआ घी, ये ज्यादा उपयोग करना। और जैसे लोनी है ना, लोनी, लोनी और उसके साथ खड़ी शक्कर, ये नियमित रूप से खाना, दोनों को खाना, पति को भी पत्नी को भी, लोनी खड़ी शक्कर नियमित रूप से। सूप ना भी खाएं तो चलेगा, लेकिन लोनी और खड़ी शक्कर नियमित रूप से लेंगे। लोनी जो है ना मक्खन नहीं है, मक्खन अलग है, लोनी अलग है, समझते हैं ना? वो दही में वो चलाते हैं, मराठी में क्या कहते हैं उसको, मथाने, रवि, रवि, तो रवि चला के जो निकलेगा वो लोनी। मक्खन जो है वो दूध से ही निकाला जाता है सीधे, तो लोनी खानी है मक्खन में, तो लोनी और थोड़ा सा खड़ी शक्कर नियमित रूप से।
दोनों पति पत्नी उपयोग करें। कितना लें, मात्रा कितनी हो, कम से कम 25 ग्राम लोनी और 5 से 10 ग्राम खड़ी शक्कर। और इसके अलावा जो नियमित रूप से आपको भोजन में लेना है, तिल आपको नियमित भोजन में खाना है, तिल, मसूर की दाल, मूंग की दाल नियमित रूप से खाना, एक दिवस मूंग की दाल, एक दिवस मसूर की दाल, ऐसे नियमित रूप से खाना। और नियमित रूप से जो फल सीजन वाले होते हैं, जैसे अभी गर्मी का सीजन है, तो गर्मी के सीजन में जो फल है उसमें आम सबसे जास्ती है, तो भरपूर आम खाना। थोड़े दिन में सीजन बदलेगा तो फल भी बदलेंगे, तो सीजन वाले जो फल है वो भरपूर खाना, जैसे संतरा आएगा, मौसमी आएगी, द्राक्ष आएगा, सीजन के हिसाब से। तो अभी आम है, आम के बाद कुछ, फिर उसके बाद कुछ, उसके बाद कुछ, तो ये सीजन वाले फल भरपूर खाना है। और फल कभी भी भोजन के साथ नहीं खाना है, अकेले खाना है। केला हो, दूसरे फल हो, वो भोजन के साथ नहीं, अलग से खाना। जैसे भोजन किया उसके 2 तास बाद या 2 तास पहले फल खाना, या तो फल सुबह सुबह नाश्ते में भरपेट खाना, वो सबसे अच्छा। और एक चीज नियमित रूप से करनी पड़ेगी कि थोड़ा शरीर श्रम नियमित रूप से हो, पति का भी पत्नी का। पति का शरीर श्रम क्या होना और पत्नी का क्या होना, इसके लिए 2 अलग अलग विभाजन है हमारे शास्त्रों में। पत्नी के लिए शरीर श्रम ऐसा होना जिसमें पेट का हिस्सा, जिसको गर्भाशय कहते हैं, उसमें बार बार मूवमेंट आए, ऐसा श्रम हमें होना पत्नी के लिए, स्त्री के लिए। तो वो क्या करना है, जैसे वो चटनी बनाते हैं ना, चटनी, तो चटनी अगर मिक्सी में बनाएंगे तो शरीर का श्रम नहीं है, लेकिन हाथ से बनाएंगे तो शरीर का श्रम है। और उसमें सबसे ज्यादा मूवमेंट यूट्रस रीजन का ही होता है, गर्भाशय का सबसे ज्यादा मूवमेंट होता है, तो चटनी हाथ से बना। इसी तरह से हाथ काम ज्यादा घर का, कपड़े धोना तो हाथ से धोना, वॉशिंग मशीन से नहीं धोना, चटनी बनाना तो हाथ से बनाना, रोटी बनाना तो हाथ से बनाना। आजकल रोटी बनाने का मशीन आ गया है, इसलिए मुझे ये बोलना पड़ता है, रोटी बनाना तो हाथ से, कपड़े धोना तो हाथ से, चटनी बनाना, ये सब स्त्रियों के लिए। और एक बहुत अच्छा श्रम है, अगर आप सब करेंगे तो बहुत अच्छी संतान आपको होने वाली है। वो श्रम क्या है, चाकी चलाना।